पाकिस्तान सुपर लीग का होने वाला है फाइनल मुकाबला। मेगा गिव अवे कंटेंट जो 4 लाख का हमने रखा था उसमें पार्टिसिपेट करने का ये आखिरी मौका आपके पास है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियोज को हमारे लाइक करना है, शेयर करना है, यूट्यूब चैनल जो हमारे 2 हैं उसको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन करना है। जिनके सबसे ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स प्लस जो 2 और कंडीशन मैंने आपको बताई है वो फुलफ़िल होगी वो टॉप 3 में आ सकता है। नंबर 1 पे आने वाले को 2 लाख दिया जाएगा, 1 और के बाद 2 और 3 पे आने वाले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखो फैंटेसी गेम में जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको लंबे समय से फैंटेसी गेम में लॉस हो रहा है, यानी आप इस बात को याद रखो कि गॉड आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि यू आर नॉट मेड फॉर फैंटेसी गेम। मैं अपने बहुत सारे पेड मेंबर्स भी हमारे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि सेम टीम से हम लोगों ने विन किया लेकिन वो विन नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको फैंटेसी गेम नहीं खेलना है, आपको फैंटेसी गेम बिल्कुल नहीं खेलना है। देखो फैंटेसी गेम में जीतने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। देखो हम लोग की बात करूँ तो हम लोगों ने पहले जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे 5 लाख 10 लाख एक एक मैचेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोई फैंटेसी प्लेयर नहीं हूं केवल। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखोगे जो कि दिन भर फैंटेसी गेम ही खेलते रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं क्योंकि उनका फुल टाइम करियर है वो। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका वो फुल टाइम करियर है, बट मेरा वो फुल टाइम करियर नहीं है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन, तो मेरे को सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। और जहाँ तक फैंटेसी गेम का सवाल है केवल 4 से 5% ही हमारे इनकम का हिस्सा है, बाकी 95% की बात करूँ तो हमारा जो CA प्रोफेशन है प्लस 9:15 से 3:30 तक हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग हुई। हम लोग अलग अलग स्टाफ हर चीज़ों के लिए हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, हर चीज़ की हमने हर बिजनेस को लेकर के हमने अलग अलग अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन की हुई है, उसके अकॉर्डिंग सारे बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे को पता है कि इनकम टैक्स कहाँ से बचाया जा सकता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है। अलग अलग बिजनेस आप दिखाओगे या तो आप अलग अलग नाम से प्रोप्राइटर चेंज करके अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1.5 लाख वाला जो बेनिफिट है ATC का वो भी आप ले सकते हो, 50,000 का जो NPS का बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे एट्सेट्रा बहुत सारी बातें हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी सारे बिजनेस को डिजाइन करके चलता हूँ ताकि कहीं से हमको कभी भी किसी भी चीज़ में रिग्रेट नहीं फील करना पड़े कि हम लोग केवल फैंटेसी गेम ही खेलते रह गए, या तो हम लोग केवल शेयर ट्रेडिंग ही करते रह गए, या तो हम लोग केवल अपने CA प्रोफेशन पर ही ध्यान देते रह गए। आप सभी को पता है कि फैंटेसी गेम में आप आए अल्टीमेटली तो पैसा कमाने के लिए हों, चाहे आपको पैसा किसी भी फैंटेसी ऐप से मिले, ड्रीम इलेवन से मिले, दूसरे फैंटेसी ऐप से मिले, या तो अभी आपने रिसेंटली हमारी लूडो में विनिंग देखी, लेकिन फिर भी हमने खेला लेकिन आपको सजेस्ट किया कि आपको नहीं खेलना है, या आप खेलो भी तो पहला मैच विन कर जाओ तो विड्रॉ कर लो, नहीं विन करो तो फिर मत खेलो। देखो हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे पेड मेंबरशिप के लिए मेंबर्स आते हैं, उनमें से 20 से 30% ऐसे भी होते हैं 2-3 दिन टीम लेते हैं उसके बाद उनको लॉस होता है तो फिर उनको टीम देना बंद कर दिया जाता है बिकॉज वो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। देखो फैंटेसी गेम में जीतने के लिए टीम बहुत अच्छी हो ये तो इम्पॉर्टेंट एक है ही, इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट किस मैच में कर रहे हो, आप कौन से मैच में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना किस तरीके से आपने अपने इनकम को डिफाइंड किया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि आपको कम्पीट खुद से करना है, यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ। आप जब दूसरे से कम्पीट करना स्टार्ट कर दोगे कि इससे हमारा ज़्यादा पॉइंट आना चाहिए, इसको हमको हराना है, या ये सारी चीज़ें जब आपके मन में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग जब भी फैंटेसी गेम में किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलवेज हमको प्रॉफिट ही होता है। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक मैच में इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें 1 लाख रुपया हमको लॉस हुआ था, जिसको कि हमने प्रिडिक्शन वाले वीडियो में आपको बताया कि मेरा 1 लाख रुपये का इसमें लॉस हुआ है। तो हम लोग को लॉस जब भी होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट जब भी होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, फैंटेसी गेम को आप अपना फुल टाइम करियर कभी मत बनाना, क्योंकि फैंटेसी गेम कभी भी किसी के लिए भी फुल टाइम करियर हो ही नहीं सकता है। और अगर आप दिन भर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए ये मैच ख़त्म दूसरा मैच तीसरा मैच
कभी प्रॉफिट आपको नहीं होगा। एक दिन में एक मैच सेलेक्ट करो या हफ्ते में दो या तीन मैच सेलेक्ट करो, केवल उतना ही इन्वेस्टमेंट करो। हमारे पास जब टाइम होता है मैच को देखने का, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज देखो, आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है लाखों रुपए, तो आपको बाकी चीज़ आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए, ये सब तो मैं स्टार्टिंग में आपको टिप्स दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। आप mytmlm.com पे जाकर देखना, हमने 7 करोड़ से ज़्यादा वहाँ विन किया है। ड्रीम इलेवन में 4 करोड़ से ज़्यादा हमने वहाँ पे विन किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपने जो विनिंग की है उसको आपको कैसे सेव करना है, ये तरीका आपको निकालना पड़ेगा। आप जब जीते हुए पैसे को खुद पे खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी विनिंग का क्या फ़ायदा है? एक मैच में विन कर रहे हो, दो तीन मैच में फिर उसको लॉस में चले जा रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड मेंबरशिप लेने से ही आप विन करोगे। मेरे कुछ ऐसे भी पेड मेंबर्स हैं जो कि पेड मेंबरशिप लेने के बावजूद लॉस में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उसी में से हमारी बातों को समझ के, सीख करके और प्रॉफिट में ही वो हमेशा रहते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं विनिंग की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि कल इंग्लैंड वाला जो मैच था, इंग्लैंड और श्रीलंका का, उसमें हमने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 7 कॉन्टेस्ट हमने विन किए, लगभग 10 कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पे ज्वाइन किए थे। हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। 32,000 का इन्वेस्टमेंट था, 70,000 हमारी विनिंग हुई। उसके जस्ट एक दिन पहले आप जाओगे तो एक और मैच हमने खेला था, उसमें हमने 40,000 लगा करके, हम ये लूडो की विनिंग है, मैं ऊपर आता हूँ अभी, 5,500 और 36,000, ये सभी लूडो की विनिंग है। एंड ऊपर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ 85,000 हमने विन किया था, 47,000 लगा करके। इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर आओगे तो इसी तरीके से हमारी विनिंग है। देखो, हम लोग अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं है, घर हमारा फैंटेसी से चलता है, फैंटेसी के अलावा हमको कोई काम ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो अपने को क्या है कि फैंटेसी को फुल टाइम करियर लेकर के नहीं चलना है, अपने को केवल लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे मैचेस को टारगेट कर रहा है और हमेशा प्रॉफिट में रहना है। ये बात आप हमेशा याद रखो। तो हमारे अलावा हमारे मेंबर्स की भी आप विनिंग के स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख सकते हो। अब मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ इस मैच की। देखो, इस मैच में बताने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। आपने पूरी सीरीज जब देख ली, मुल्तान की परफॉर्मेंस, पेशावर की परफॉर्मेंस, और मुल्तान और पेशावर को अभी आपने रिसेंटली खेलते हुए देखा है। मुल्तान की बात करो, डायरेक्टली फाइनल में आई है क्वालिफायर 1 जीत करके। पेशावर की बात करो तो लगातार 2 मैच जीत करके आई है। तो अभी अगर अच्छी फॉर्म की बात करो तो पेशावर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। इस बात को आप याद रखना कि पेशावर की टीम में ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं कंपैरेटिवली मुल्तान, भले ही मुल्तान की टीम टॉप 2 में थी, तो इसीलिए इनको क्वालिफायर खेलने का मौका मिला था। अभी यहाँ पे देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन में रिजवान है, अकमल है। रिजवान की बात करो तो रिसेंटली कुछ मैचेस से अच्छा नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है। ये 2 मैच में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया था, बाकी अगर देखा जाए तो ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं काफ़ी समय तक, और इस सीज़न काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। कामरान अकमल की बात करूँ तो इनका भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा, ये लगातार मैच खेले हैं, लेकिन आप दोनों के पॉइंट से अंदाजे लगा सकते हो। ओपनिंग दोनों ही करते हैं और दोनों ही विकेट कीपर हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बट दोनों ही अपने अपने टीम के मेन प्लेयर हैं, तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, बाकी ये दोनों खेलेंगे नहीं। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ, सोएम मलिक बड़े मैच के बड़े प्लेयर, आप इनको नहीं हटा सकते हो। कब इनको 3 ओवर 4 ओवर दे दिया जाएगा, कब ओवर नहीं दिया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लास्ट मैच में कितनी जल्दी इन्होंने बैटिंग करके कुछ ही बॉल में मैच को विन करा दिया था। ऑलरेडी इनकी टीम विन कर ही चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। यहाँ पे मकसूद की बात करो, बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा मोहब्बत है जजाई से तो आप इनको ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में ये चल रहे हैं। लास्ट के 2 मैच में इनकी टीम जो विन की है, केवल इनके परफॉर्मेंस की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जोनाथन वेल्स की बात करूँ तो इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच में किया। इस सीरीज में 1 मैच इन्होंने खेला है और उसी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहाँ पे जजाई ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन लास्ट मैच में जजाई स्टार्टिंग में अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में जोनाथन वेल्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उसके बाद इन्होंने भी अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जजाई लास्ट मैच में इनका कैच भी एक छूटा था, तो यहाँ पे जजाई बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इनको ले सकते हो। फिलहाल मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूं, तो एक टीम बनाना जिसमें आपको इनको लेना है, जोनाथन चार्ल्स को आपको ट्राई करना है, बाकी इन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है। रदरफोर्ड को जब भी बैटिंग करने का मौका मिला है अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन रसो की बात करूँ पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, कुछ खास इन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कोई भी प्लेयर मेरे को नहीं लगता खेलेगा, खुद दिल सा खेलेंगे तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, अदरवाइज़ बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। अब यहाँ पे देखो,
उमैद आसिफ की बात करूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अमाद बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों को ही आपको लेकर के चलना है। यहाँ पे सोहेल तनवीर एक बड़े मैच के बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। अब आपको अगर इनको लेना है तो इनको लेने का एक ही रास्ता मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो है कि 9.5 क्रेडिट वाले इन दोनों में से किसी एक को हटाओ, या तो फिर आप इनको हटाओ। इनको आपको हटाना नहीं, ये मस्ट पिक है, तभी आपके पास 9 क्रेडिट आ पाएगी। तो आप किसी एक टीम में किसी एक प्लेयर को हटा करके, जैसे कि आप इसमें से मकसूद को हटा करके आप यहाँ पे ट्राई कर लेना यहाँ पे तनवीर को, क्योंकि ये बैटिंग से ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। बाकी इन दोनों, इन सभी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रॉबिन पॉवेल कैच वगैरह से पॉइंट देंगे, बैटिंग से एक बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अदरवाइज इनकी या तो बैटिंग नहीं आती है, और बैटिंग आती है तो फ्लॉप रहते हैं। इसके अलावा एक मैच इन्होंने खेला था, कुछ खास नहीं किया था, 4 ओवर बॉलिंग की थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यहाँ पे वहाब रियाज इंपॉर्टेंट है, धानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो लेना ही है। बाकी जो तीसरे बॉलर की बात करूँ तो आप इमरान ताहिर की जगह पे इमरान खान को ले सकते हो। इसके अलावा ये खेलेंगे नहीं, जैसा कि लास्ट मैच में बाहर चले गए थे 4 ओवर बॉलिंग करके, कुछ इंजरी वगैरह का इशू था। मुजरा वानी को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मोहम्मद इमरान भी एक ऑप्शन है आपके लिए। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको सारे ही प्लेयर रिकमेंड कर दिए। यहाँ पे इमरान ताहिर की जगह पे इमरान खान लोगे तो ये भी अच्छी चॉइस है, बैटिंग भी कर लेते हैं। इनकी बात करूँ तो आपके लिए एक अच्छी पिक साबित हो सकते हैं। 78% का सिलेक्शन है, जब भी विकेट लेते हैं 2-3-4 विकेट लेते हैं इमरान ताहिर। तो यहाँ पे देखो, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, नंबर वन चॉइस यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है मोहम्मद रिजवान, इनको आपको लेकर के चलना है, कैप्टन बना सकते हो, नंबर वन चॉइस हो गए। फॉर्म के बेसिस बात करें, बहुत से लोग जजाई को बनाएंगे, आप उनको बना सकते हो। इसके अलावा वहाब रियाज एक डिसेंट पिक है कैप्टन की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए मकसूद भी एक अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा इनको और इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे सेफ़ चॉइस है मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन। वाइस कैप्टन की बात करूँ, वहाब रियाज एक सेफ़ चॉइस है, जो कि विकेट लेंगे ही लेंगे, हाई चांस है। इसके अलावा यहाँ पे शोएब मलिक हो गए, कामरान अकमल हो गए और मकसूद हो गए, इनको आप बना सकते हो। इसके अलावा जहाँ तक वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट एंड प्लेयर्स बैटल वगैरह बताने का कोई मतलब नहीं है, ये फाइनल मुकाबला है, फाइनल तक आप सब कुछ आपको पता लग चुका होता है। सेम वेन्यू है, सारी चीज़ें सेम है, पेसर्स को मदद मिलेगी। कुछ ऐसे स्पिनर्स होते हैं जो कि हर पिच पे विकेट ले सकते हैं, जैसे कि इमरान ताहिर है, इनको आपको लेना है। अमाद बट को मैंने लिया इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक विकेट टेकिंग बॉलर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, इसलिए इनको आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनको मैंने ले लिया, बस इसमें जजाई की कमी है। तो जजाई को अगर आप लेना चाहते हो किस तरीके से आप लोगे, मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोग उमैद आसिफ की जगह भी इनको ले सकते हैं, लेकिन उमैद आसिफ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आई होप कि मेरी बातें आपको पता लग गई होंगी, समझ आपको आ गया होगा, क्योंकि देखो मैं सारी बातों को अगर मैं लिख करके लाऊं और मैं आपको उसी चीज़ को समझाऊं, एक ही बात को 3-4 बोलूं, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। आप अगर फैंटेसी गेम खेलते हो, जेन्युइन अगर आप प्लेयर हो, तो आपको इतना पता होगा कि कौन से प्लेयर का क्या स्टैट्स है, क्या नहीं स्टैट्स है। अगर स्टार्टिंग के मैचेस होते, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो बनाया था पहले भी, जो हम लोग प्रेडिक्शन के वीडियो हम लोगों ने PSL में दिए हैं, उसमें हम लोग एक एक प्लेयर के स्टैट्स भी आपको बताते थे, वहाँ रिक्वायर्ड था। तो हम लोग अपने वीडियो पे या टेलीग्राम चैनल पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बस वही शेयर करते हैं। हम लोग इररेलीवेंट चीज़ें ना तो कभी शेयर करते हैं, ना तो आपको बताते हैं। और इसके अलावा हम लोग आपको रिकमेंड भी वही फैंटेसी ऐप करते हैं जो कि हमें लगता है कि अच्छा है, जिसमें विड्रॉल सिस्टम अच्छा है। तो सारी बातें हम लोग आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। इसके अलावा मेंबरशिप की बात करूं तो हमारा एकमात्र यही नंबर है 9140233474। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, उसी के अकॉर्डिंग विनिंग भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, एक मैच, दो मैच, तीन मैच की टीम हम लोग नहीं देते हैं, डेमो या ट्रायल टीम हम लोग के पास नहीं दी जाती है। इस समय T20 ब्लास्ट का पैकेज हमारे पास अवेलेबल है, मंथली पैकेज भी एक हमारे पास है, जिसमें कि T20 ब्लास्ट के अलावा जो एक महीने में जो मैचेज होंगे उसमें जो प्रॉफिटेबल मैचेज होंगे, जैसे कि अभी ढाका T20 चल रहा है या तो T10 लीग वगैरह है, उसके मैचेज उसमें कवर किए जाते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट नंदू संकुरी साइनिंग आउट। बाय बाय।